तो हेलो फ्रेंड, अगर आप भी चाहते हो मकर संक्रांति पे कुछ इस तरह के पोस्टर को बनाना और साथ ही अपनी फोटो को लगाना और यहाँ पे मोबाइल नंबर को चेंज करना और अपनी यहाँ पे नाम को ऐड करना या अपने चैनल का नाम को ऐड करना, तो आप एक्चुअली इस तरीके का पोस्टर को बना करके ये सब करना चाहते हो तो वीडियो को कम्प्लीट देख ले। तो यहाँ पे इस तरह के पोस्टर को बनाने के लिए आपको एक अप्लीकेशन की जरूरत है जिसका नाम है पिक्सल। तो प्ले स्टोर में चले जाना और प्ले स्टोर में आने के बाद आपको सर्च करना है पिक्सल है। तो पिक्सल है को जैसे ही सर्च करोगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेना, इंस्टॉल करने के बाद इसे ओपन करना, लेकिन ओपन करने से पहले वीडियो को अच्छा से देखना। तो यहाँ पे बता दो कि वीडियो को डिस्क्रिप्शन में आपको पीडीएफ फाइल डाउनलोड लिंक मिलेगा, तो उस लिंक पे आपको क्लिक करना है। तो मैं उस लिंक को यहाँ पे पेस्ट कर दिया हूँ और पेस्ट करने का जैसे कि आप इस लिंक पे क्लिक करोगे तो लिंक डिस्क्रिप्शन में जाओ, पीडीएफ फाइल डाउनलोड लिंक पे क्लिक करो, कुछ इस तरह के इंटरफेस ओपन होगा जैसे कि किसी भी ब्राउजर में आप ओपन कर लेना। जैसे कि यहाँ पे क्रोम ब्राउजर में ओपन कर लिया तो कुछ इस तरह से इंटरफेस देखने को मकर संक्रांति, तो आपको इस लिंक पे क्लिक कर देना है। इस पे जैसे ही क्लिक करोगे तो कुछ इस तरह से डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगा, जैसे कि यहाँ पे देख रहे हो। तो इस पे क्लिक करके यहाँ से डाउनलोड पर क्लिक कर देना, तो यहाँ पे कुछ इस तरह से डाउनलोड होगा। तो जैसे कि यहाँ पे मैं आप सबको दिखाता हूँ कि कुछ इस तरह से ऊपर की ओर शो होगा और यहाँ पे डाउनलोडिंग स्टार्ट हो चुका है। तो आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को ऑल पे सिलेक्ट कर दो। यहाँ पे आप सबको पोस्टर से रिलेटेड वीडियो देखने को मिलता है और मिलता रहेगा। तो कुछ इस तरह से यहाँ पे डाउनलोड हो चुका है जैसे कि आप देख रहे हो। तो उसके बाद इस पर क्लिक जैसे करोगे तो कुछ इस तरह से इंटरफेस आएगा जैसे कि यहाँ पे शो हो रहा है। तो यहाँ से ओपन कर लेना, ओपन पर क्लिक करोगे तो कुछ इस तरह से यहाँ पे दो ऑप्शन देखने को मिलेगा, लेकिन आपके सामने एक ही ऑप्शन देखने को मिल जाएगा फाइल मैनेजर। तो आप फाइल मैनेजर को सिलेक्ट कर लेना। तो जैसे ही फाइल मैनेजर को सिलेक्ट करो तो आप इस तरह से इंटरफेस आएगा, तो यहाँ पे आपको ओके बटन पर क्लिक कर देना है। तो जैसे ही क्लिक करो तो यहाँ पे आपको पासवर्ड मांगा, तो पासवर्ड आपको क्या टाइप करना है मैं वीडियो की आगे बता दूंगा, तो वीडियो को अच्छा से देखना तभी कुछ इस तरह से यहाँ पे पासवर्ड को देगा और आपका फाइल अनजिप होगा। तो इस पासवर्ड को मैं यहाँ पे टाइप कर दिया हूँ, उसके बाद ओके बटन पर क्लिक कर देना। ओके बटन पर जैसे ही क्लिक करोगे तो आपको कुछ इस तरह से फाइल अनजिप हो जाएगा और यहाँ पे सक्सेसफुल दिखा दिया जाएगा। तो आप यहाँ पे आपका कंप्लीट हो चुका है डाउनलोड, और उसके बाद आपको यहाँ पे पिक्सल ऐप को ओपन कर लेना। तो यहाँ पे मैं ओपन करता हूँ, ओपन करते ही कुछ इस तरह से इंटरफेस मिलेगा। आपको पासवर्ड कहाँ पे मिलेगा मैं आपको वीडियो में एक जगह पे पासवर्ड देखने को मिलेगा तो मैं आपको बता दूंगा। तो वीडियो को अच्छा से देखना तभी कुछ इस तरह के पासवर्ड को लोगे और तभी आप फाइल को बना पाओगे। तो यहाँ पे जैसे कि देख रहे हो कि न्यू टेक्स्ट देखने को मिल रहा है, तो आपको इसे डिलीट कर देना। तो डिलीट करने के लिए डिलीट वाले बटन क्लिक करके ऐसे ओके कर देना, तो ये आपका न्यू टेक्स्ट डिलीट हो जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे थ्री डॉट पे क्लिक कर देना है, और थ्री डॉट पे क्लिक करने के बाद यहाँ से ओपन पीएलबी फाइल पर क्लिक कर देना है, और यहाँ पे जैसे ही क्लिक करोगे तो कुछ इस तरह से आपको पीएलबी फाइल देखने को मिल जाएगा। तो इस पर क्लिक कर देना है, इस पर क्लिक करते ही यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा जैसे कि यहाँ देख रहे हो कुछ इस तरह से। तो यहाँ पे आपको लिखेगा मकर संक्रांति पोस्टर पीएनजी डाउनलोडिंग, तो इस पर जैसे ही क्लिक करोगे तो कुछ इस तरह से यहाँ पे जैसे कि देख रहे हो, तो इस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करोगे तो कुछ इस तरह से देखने को मिला, तो इस पर क्लिक कर देना है। जैसे कि यहाँ पे मैं हो चुका और यहाँ पे ऐड टू इधर पे क्लिक करके इसे ओके कर देना है, तो कुछ इस तरह से पिक्सल में एडजस्ट हो जाएगा बैक बटन से बैक करने का। जैसे कि यहाँ पे देख रहे हो, और अगर आप चाहते हो कि अपनी फोटो को लगाना तो आपको यहाँ से अनलॉक कर देना है। जैसे कि यहाँ पे जैसे क्लिक करोगे तो इसे अनटिक कर देना, फोटो को अनटिक करके आपको फिर से इस पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे अपनी फोटो को सिलेक्ट कर लेना है, उसके बाद यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है, उसके बाद यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है, और यहाँ पे जैसे क्लिक करोगे तो कुछ इस तरह से आपकी गैलरी ओपन होगा। तो जैसे कि यहाँ पे शो रहा है तो आपकी फोटो जहाँ पे भी है वहाँ से उस फोटो को सिलेक्ट करना, जिस भी फोटो को आप लगाना चाहते हो। जैसे कि मैं यहाँ पे इस तरह के फोटो को लगाना चाहता हूँ, लेकिन वो फोटो आपका पीएनजी होना चाहिए। जैसे कि मैं कुछ इस तरह के फोटो को लगाना चाहता हूँ तो इस फोटो को सिलेक्ट कर लिया, लेकिन वो फोटो आपकी पीएनजी होना चाहिए। जैसे कि कुछ इस तरह से पीएनजी फोटो है तो मैं इस फोटो को सिलेक्ट करता हूँ, और यहाँ पे कुछ इस तरह से मैं क्रॉप कर लिया। उसके बाद यहाँ पे आपको सही वाले बटन पर क्लिक कर देना। अगर आपको फोटो पीएनजी बनाना नहीं आता तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और जाके वो वीडियो को आसानी तरीके देख लेना। उसके बाद कुछ इस तरह से अपना फोटो को पीएनजी बना सकते हो, किसी भी फोटो को पीएनजी एक क्लिक में बना सकते हो। तो जैसे यहाँ पे मैं इस तरह के फोटो को यहाँ पे सिलेक्ट कर देता हूँ, और तो यहाँ पे सिलेक्ट करने के बाद आपको कुछ इस तरह से कर लेना, और यहाँ पे कुछ इस तरह से जैसे कि नाम को अपने मोबाइल नंबर को ऐड करना चाहते हो तो आपको यहाँ पे डबल टाइप कर देना। डबल टाइप करने के बाद आपकी कुछ टेक्स्ट खुल जाएगा, अगर यहाँ पे अपना जो भी नंबर है वहाँ पे टाइप कर देना। जैसे कि मैं यहाँ पे कोई सा भी नंबर को टाइप करके दिखाता हूँ, तो जैसे कि यहाँ पे कोई सा भी नंबर को टाइप करके ओके बटन पर क्लिक कर देना है, तो यहाँ पे आपका यहाँ पे लग चुका है जैसे कि यहाँ पे नंबर आपका हो जाएगा। तो आप अपने नंबर को यहाँ पे टाइप कर देना, उसके बाद यहाँ पे अपना नाम को ऐड करना चाहते हो तो आपको इस पर जैसे कि डबल टिक नहीं हो रहा था, आपको फिर से इस पर क्लिक कर देना है, और यहाँ से आपको नंबर जैसे कि नाम देख रहे हो तो नाम पर आपको क्लिक अनटिक करके आपको इस पर क्लिक कर देना है। और इस जैसे कि नाम भी अनटिक हो चुका है तो आपको यहाँ पे अपना नाम को ऐड कर लेना है। तो ऐड करने के बाद आपको जैसे कि यहाँ पे कोई सा भी नाम को ऐड कर देना, तो जैसे मैं यहाँ पे नाम को ऐड कर दिया, उसको यहाँ पे कुछ इस तरह से कर लेना। अगर बड़ा छोटा नाम आता है तो आपको यहाँ पे क्लिक कर देना,
अगर सही से एड्रेस नहीं होता उसके बाद आपको यहाँ पे थोड़ा इधर की ओर कर लेना और यहाँ पे साइज पर क्लिक करके कुछ इस तरह से अपनी साइज को छोटा कर लेना, तो कुछ इस तरह से नाम का अपना साइज में एडजस्ट हो जाएगा। उसके बाद सही वाले बटन पर क्लिक कर देना है तो आपका पोस्टर कुछ इस तरह से बन के तैयार हो जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे शेयर सेव वाले बटन पर क्लिक कर देना है और इसके बाद आप यहाँ पे सेव एज इमेज पर क्लिक करके आपका पोस्टर गैलरी में सेव हो जाएगा। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। और यहाँ पे आप सबको कुछ इस तरह से पोस्टर से रिलेटेड वीडियो देखने को मिलता है और मिलता रहेगा। और अगर आपको पासपोर्ट शो होता होगा स्क्रीन पर, उस पासपोर्ट से आप पीएलपी फाइल को बहुत ही आसानी तरीके से डाउनलोड कर पाओगे। तो आपको यहाँ से डिफॉल्ट की जगह पर अल्ट्रा को सिलेक्ट करना है और उसके बाद आपको सेव टू गैलरी पर क्लिक कर देना है। जैसे सेव टू गैलरी पर क्लिक करोगे तो आपका पोस्टर HD क्वालिटी में सेव हो जाएगा आपकी गैलरी में। तो उस पोस्टर को आप कहीं पर भी शेयर कर सकते हो। तो आपको वीडियो में अच्छा तरह से आपको देख लिए हुए तो आपको पासवर्ड भी लिखा होगा, उस पासवर्ड से आप फाइल को अनजिप कर पाओगे और कुछ इस तरह से पोस्टर को बना पाओगे। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। यहाँ पे आप सबको इस तरह से रिलेटेड वीडियो देखने को मिलता है और मिलता रहेगा। तो किसी न्यू वीडियो में मिलता है तो जय।